तो हेलो गाइस, एबिलिटी कस्टम्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो है टोटली यूनिक, इस पर कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं आएगा, तो इस पर रिस्टोरेशन वाला वीडियो होगा। तो मेरे पास एक यूनिक बाइक आया, उसको दिखाते हैं हम कैसे वाला वो बाइक है, तो देख को तो चौंक जाओगे। तो मेरे ऑपरेशन देते पर आया वो बाइक, तो चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो वाला बाइक क्या है। तो गाइस, ये है बहुत छोटा चूहा टू स्ट्रोक, ये वाला बाइक। ये टोटली खतरनाक कंडीशन पर बहुत दिन से पड़ा था, तो मेरे पास आया इसको रिस्टोरेशन करने के लिए। तो कस्टमर बहुत उसको महसूस किया, इसको राइड करना चाहिए, बहुत आशा लेके मेरे पास आया। तो मैं उसको आशा का मान मर्यादा सबको रखूँगा और इसको लाइव भी करूंगा, और आप लोगों को छोटा सा फाइनल वीडियो भी दिखाऊंगा। और तो स्टार्टिंग करने के बाद टोटल रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टार्टिंग करने के बाद तो साउंड इसको कैसे राइड करना चाहिए, खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको भी अगर ये वाला बनाना चाहो तो मैं इसको अपने हाथों से मैं इसको हैंडमेड मॉडल भी बना सकता हूँ। लेकिन ये शायद छोटा इविल ये मेरा छोटा इविल है, इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो बाइक मेरा जान है। तो इसको हम रिस्टोरेशन करेंगे, सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, इसको टोटली पार्ट बाई पार्ट ओपन करेंगे इंक्लूडिंग इंजिन के साथ, फिर इसको रीबिल्ड करके डिसमेंटलिंग एंड रीबिल्ड करके मैं राइड करने वाला हूँ। तो गाइस कीप वॉचिंग मेरा छोटा सा ट्रेलर, तो आप लोग मेरे साथ रहो। तो एबिलिटी कस्टम्स चैनल पर आप लोगों को, ये है मेरा चैनल लोगो एबिलिटी कस्टम्स। तो अगर पसंद आए ना पसंद आए तो भी लाइक करना, कॉमेंट सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इस पर अब डीजल से इसको सबसे पहले वॉश कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि डीजल से क्या होता है, पुराना जो मैल धूल मैल इधर जमी पड़ी है वो साफ हो जाएगा। अभी वॉशिंग पर लेके आया, हाँ चलो। तो इसको वॉश करने के बाद इसका इंजन का जितने सारे नट बोल्ट से उसको ओपन करने से पहले हमको थोड़ा सा WD-40 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घिस गया खराश आ जाएगा तो इसको हम दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोई भी बाइक पुराना वाला रिस्टोरेशन करने से पहले जितने सारे नट बोल्ट से उधर भी थोड़ा सा WD-40 डालोगे तो भी चलेगा, यानी डीश ऑयल वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन खराब डिस्चार्ज होने का चांसेस रहता है। तो मैं इधर भी थोड़ा थोड़ा करके WD-40 लास्ट ट्यूबर थोड़ा सा डाल देता हूँ। तो गाइस, ये है इसका इंजन, 50cc वाला इंजन, और ये इसके चैसिस, हम दोनों मिलके इसको ओपन कर दी। तो आप इस इंजन को मैं डिसमेंटलिंग करूंगा, ये पार्ट वन वीडियो पर आएगा, तो कीप वॉचिंग पार्ट टू वीडियो, इसका डिसमेंटलिंग वाला वीडियो पार्ट वन पर मैं दूंगा, और पार्ट टू वाला वीडियो
आप कीप वाचिंग नेक्स्ट वीडियो। चलो इविल लिटिल कस्टम्स कैरी ऑन नेक्स्ट वीडियो वाचिंग।